अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यार वेलकम एक और ज़बरदस्ती व्लॉग में, व्लॉग कह लो या वीडियो कह लो, दोनों है, क्योंकि वीडियो में उसको कहते हैं जिसमें हम घर में बैठ के इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं, और व्लॉग होते हैं जिसमें हम बाहर जाते हैं। तो इस वीडियो में हम इधर भी काम करने वाले हैं थोड़ा बहुत, और फिर बाहर भी जाने वाले हैं। टाइटल थंबनेल दोनों आपको देख के पता लगे होगा, आज हम दराज के ऑफिस जाने वाले हैं, जिसमें हम जाके अपना जो प्रोडक्ट है वो उनको हैंड ओवर करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया नहीं था लेकिन मैंने दराज पर अपना स्टोर बनाया था। और अगर आपको उसकी वीडियो वगैरह चाहिए किस तरह बनाते हैं, किस तरह से सारा स्टोर वगैरह ओपन करते हैं, तो आपको मैं उसकी वीडियो अलग से बना के दे दूंगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल जो है मुझे पहला ऑर्डर है मेरे दराज के स्टोर पे, तो पहले ऑर्डर में मुझे भी नहीं पता कि क्या करना है, और अभी देखते हैं कि क्या करना है। इतना मुझे पता है कि पैकिंग वगैरह किस तरह करनी है, तो पैकिंग मैं करता हूँ, उसके बाद हम जाते हैं दराज के ऑफिस, जो कि आई थिंक ब्लू एरिया वगैरह में इस्लामाबाद के। और आप दराज का ऑफिस कहीं भी देख सकते हैं, गूगल वगैरह पर उनके हेल्प सेंटर में भी आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। उसके बाद अपनी जो करीबी सेलर सेंटर हो आप वहाँ पर जाके सबमिट करा सकते हैं, लेकिन सबमिट कराने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको क्या क्या चाहिए होगा। तो अगर आपको यहाँ पे देख रहा हो कि इधर कुर्सी के ऊपर हमारे पास फ्लायर है, ठीक है, जो दराज के आप ऑर्डर करते हैं तो आपको भी इन फ्लायर वगैरह मिलते हैं, तो ये आपको दराज से ऑर्डर करना पड़ेगा, ठीक है। ये मुझे जो मिला ये है 275 का, इसमें 50 छोटे फ्लायर है इसी साइज़ की, जिस साइज़ की आपको देख रहे हैं, और इसके साथ साथ ये नीचे बबल रैप जो पड़ा है ये भी दराज से आपको मिलता है, ठीक है। ये भी दराज से है, मैंने मंगवाया था तकरीबन हफ्ते दो हफ्ते हो गए हैं, इसको मंगवाने के बाद दराज का स्टोर जो है वो ऑनलाइन होता है, तो ये दो चीज़ें मैं मंगवा चुका हूँ, ठीक है। यहाँ से अभी हम शॉपर भी निकालते हैं, लेकिन शॉपर से पहले जो है हम इसको पैक करते हैं। इसकी जो है हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर है वो इसका है, M4 ब्रांड का, जिसकी मैंने अभी तक अनबॉक्सिंग की वीडियो भी नहीं बनाई थी, और काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स मैं लेके आया हूँ दराज के जो है स्टोर के लिए, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस रहती है। तो पैकिंग मटेरियल आपको ये जो है बबल रैप और ये नॉर्मल जो शीट होती है ये वो है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको दराज के सेंटर वाले जो होते हैं वो आपको कुछ फाइल्स देते हैं जो आपने यहाँ से डाउनलोड करनी होती है। अगर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा हो कि देखिए, यहाँ से आप रेडी टू शिप के बाद जो है यहाँ से ऑल डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे, और जितने डॉक्यूमेंट्स ये आपको देगा ये सारे आपने प्रिंट आउट निकाल लेने, ठीक है। ये तीन डॉक्यूमेंट्स है, जिसमें से हमारे पास फर्स्ट जो है वो यूज़लेस है मेरे लिहाज से, मुझे नहीं पता उसका क्या यूज़ है। ये सेकेंड वाला है, ये हम अपने जो फ्लायर है उसके बाहर साइड पर लगाएंगे, और जो थर्ड वाला है इसको हम इनर साइड पर लगाएंगे फ्लायर के, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, देखते हैं कि इसकी जो पैकिंग वगैरह वो किस तरह करनी है, और जो मटेरियल मुझे चाहिए, टेप चाहिए होगी, सीजर चाहिए होगा, और साथ में सारे पैकिंग मटेरियल वगैरह, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंगल चेंज करते हैं कैमरे का। अच्छा, तो यार गाइज़ हमारे पास जो है बहुत चीज़ें, ठीक है, पैकिंग मटेरियल फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इस वाले पैकिंग मटेरियल से, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको नीचे से स्टार्ट करता हूँ, और फुल मतलब जितना आप इसको कवर कर सकते हैं उतना करें। इन सारे पैकिंग मटेरियल वगैरह की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से जाके इनको बाय भी कर सकते हैं। और जो ये बबल रैप है इसकी ज़रूरत है तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं लगा लेता हूँ, ठीक है, थोड़ी बहुत। ये तो यार आप देख सकते हैं, ठीक है, हमारे प्रोडक्ट जो है वो फुली कम्प्लीटली पैक हो गया, बबल रैप भी चढ़ गया है, प्लास्टिक की जो कोटिंग थी वो भी हमने कर ली है, ये थोड़ी बहुत कोटिंग रह गई है, तो इसको नेक्स्ट प्रोडक्ट में इंशाल्लाह। अभी इसके बाद हमारे पास जो है ये दो ऐसे पेजेज हैं जो मैंने आपको दिखाए थे, ये वाले, ठीक है, जो स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं, तो इसका मैं प्रिंट आउट निकलवा चुका हूँ, और प्रिंट आउट अभी देखते हैं कि प्रिंट आउट निकालने के बाद इसको हम कटिंग कर लेते हैं इधर से यहाँ से। ओके, तो ये एक प्रिंट आउट इसका निकल गया, और इस पेज को नहीं काटना कहीं से भी, इसको फुल कम्प्लीटली रखना है। तो इसके बाद हमने यहाँ से जो है एक इसके अंदर से फ्लायर ले लेना, ठीक है, ये हमें एक फ्लायर मिल गया, और फ्लायर के अंदर जो है आपने बारी बारी जो है सारा कुछ डालना है। आपने सबसे पहले अपना प्रोडक्ट बेशक डाल दें, और प्रोडक्ट के साथ जो है ये दूसरे वाला पेज जो है फुल कम्प्लीट पेज एक जो है फोल्ड करके डाल दें, जैसे डालना चाहें आप डाल सकते हैं। तो ये देखें, ये डल गया, ठीक है। इसके बाद जो है आपने इसको यहाँ से पैक कर लेना है, ये वाली टेप यहाँ से उतार देनी है, ये यहाँ से उतार के इजीली काफ़ी अच्छा स्टिकी है मतलब, तो आपने सिंपली यहाँ से इसको ये पैक कर देना है। एक बार पैक कर दिया, इसके बाद ये ना खुलने वाला ना कुछ होने वाला, यहाँ से बिल्कुल पैक हो गया, ठीक है।
और मतलब बिल्कुल नहीं ना, यहाँ से देखें आप उतारेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा, यानी कि आपकी प्रोडक्ट पैक हो गई है, सारा कुछ पैक हो गया, पेज अंदर डाल दिया हमने। इसके बाद अभी हमने इस पेज को इधर बाहर चिपकाना है, तो उसको भी चिपका लेते हैं, ठीक है, देखते हैं इसके चिपकाने के लिए क्या क्या चाहिए हमें। अच्छा तो यार हमारे जो फ्लायर था, फ्लायर के ऊपर ही हमें आप इधर ना ये एक पॉकेट सी मिलती है, ठीक है, उसके अंदर हमने इस पेज को डालना है, इस तरह करके पेज को डाल के ना यहाँ पे देखें उसी तरह का स्टिकी से जो है एक टेप सी मिली है जिसके ऊपर कवर डला हुआ है, हमने कवर यहाँ से भी उतार लेना है, ठीक है, काफ़ी सफाई के साथ काम करना है, क्योंकि अगर एक बार स्टिकी जो है कहीं चिपक गया तो बस उसने चिपक ही जाना है। तो हमारा जो पेज है वो मैं डाल चुका हूँ, ठीक है। और अच्छा तो गाइस मेरे से थोड़ा बहुत ख़राब हो गया, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप फ्लायर के अंदर डालने से पहले इस पेज को इसके ऊपर चिपका दें ताकि क्लियरली चिपक जाए। देखें मेरे से बीच में ना थोड़ी बहुत ही आ गई है, तो आप जितनी सफाई से काम करेंगे उतना ही अच्छा, हमारा पेज जो है वो अंदर बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा है, ठीक है, इसके ऊपर सारी जो बायर है उसकी और सारी मेरी इन्फो लिखी है, और हमारा जो है फ्लायर तैयार हो गया। इसी तरह यही फ्लायर हमारा जाएगा दुकान जो होगा जिसने मंगवाया, ठीक है, उसके पास। अभी हम इसके बाद चलते हैं बाहर और देखते हैं जो दराज सेलर सेंटर है उधर जाके क्या सीन बनता है हमारा। अच्छा तो यार इस वक्त जो है हम दराज के बिल्कुल ऑफिस के बाहर खड़े, आपको नज़र आ रहा है दो पोर्शन बने हैं, एक ये साइड वाला है, ठीक है, इस साइड वाला, और एक मेरे बैक साइड पे है, ये रिटर्नर के लिए जो रिटर्न कराने आते हैं। अगर कोई कहता है कि भाई रिटर्न करना मुश्किल है तो काफ़ी आसान है, मुझे अभी पता लगा कि सिंपली इधर आके आपने रिटर्न करना है, ये आपसे ले लेंगे, और जो सेलर है वो इधर आएगा तो सेलर को वापस कर देंगे और आपका रिफंड हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है इधर अभी हमने अंदर जाके अपना जो सारा कुछ था, सिर्फ हमने एक अपना प्रोडक्ट पकड़ाना था, उन्होंने बार कोड से स्कैन करके आपको सिर्फ एक पेज पकड़ा देना था जिसमें आपको पता लग जाता कि भाई आपकी जो है प्रोडक्ट शिप होगी, उसके बाद आपको जो बैंक में जो आपकी अमाउंट है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। काफ़ी इजी प्रोसेस था, मैं सोचा था काफ़ी ज़्यादा लंबा होगा, लेकिन जो प्रोसेस वगैरह था वो काफ़ी इजी था। और एक गलतियाँ थी जो मैं आपको अभी घर जाके बताऊँगा कि वो आपने नहीं करनी, ठीक है, तो घर चलते हैं उसके बाद आगे मिलते हैं। अच्छा तो यार जो मैं बताया था कि मेरे से दो मिस्टेक हुई थी जो कि मैं अभी आपको एंड पे घर पे जाके बताऊंगा, तो फाइनली घर हम आ गए, ठीक है। जो हमारा ऑर्डर था वो हम वहाँ पे, ऑर्डर तो नहीं था हमारा सच, हमें जो प्रोडक्ट थी वो हमने उधर पकड़ा दिए, ठीक है, दराज वालों को दे दिया। तो यार दो जो हमारे सबसे मिस्टेक थे जो मैं आपको बताऊँ, पहली जो है आपको मैंने पहले एक बार बता भी दिया कि जब ये आप पहले तैयार करें तो पहले से प्रोडक्ट डालने से पहले जो इधर साइड पर हमने पेज डालना था इस वाली पॉकेट के अंदर, तो वो पहले से ही डाल लें, क्योंकि अगर आप पहले से नहीं डालते तो ये टेप जो है टेढ़ी वेढ़ी हो जाती है, तो उसकी वजह से थोड़ा मसला आ जाता है, ठीक है। तो आपको पहले ये रिकमेंड करूँगा कि आपने जो इधर पेज डालना होता है इन्फॉर्मेशन वाला, वो आप पहले डालें, उसके बाद यहाँ से है यहाँ पे टेप लगा के बंद कर दें, टेप इधर नीचे लगी है, सिर्फ ऊपर से कवर हटाना, ठीक है, पहली ये बात होगी। और दूसरी बात ये कि यार जब आप दराज का स्टोर देखते हो अपने कंप्यूटर वगैरह में, तो आपको उधर जब ऑर्डर लगाने के बाद आपको फर्स्ट मिलता है कि शिपमेंट वगैरह वाला जो सीन होता है, तो मैंने जब यहाँ पे सीन देखा शिपमेंट वगैरह वाला, तो यार मैंने देखा कि ऑर्डर लग चुका है, बस मैंने इतना ही ऑर्डर देखा, और मैं जस्ट जाके ना ब्लू एरिया इस्लामाबाद में जिधर ऑफिस है दराज सेलर सेंटर उधर गया, तो उनको मैंने कहा कि भाई ये ऑर्डर आया था, तो मैंने जब उनको ऑर्डर दिया अपना प्रोडक्ट पकड़ाई, तो वो मुझे कहने लगे कि भैया आपने यहाँ से अपने जो लैपटॉप वगैरह जिधर आपकी आईडी है वहाँ से आपने इनेबल किया है नहीं किया, तो मैंने बताया कि भाई मैंने सिर्फ ऑर्डर देखा है।
तो उन्होंने कहा कि भाई पहले वो इनेबल करो, तो मैं गया, पहले मैंने लोड कराया, फिर मतलब ज़्यादा इंटरनेट वगैरह फैसिलिटी थी नहीं कि मैंने डिवाइस लगाई, तो मतलब घर से अगर आप इजीली सिर्फ यहाँ से जो है इनेबल करें, उसके बाद अपनी प्रोडक्ट पकड़ें, सेलर सेंटर जाए वहाँ पे प्रोडक्ट दें, क्योंकि प्रोडक्ट पकड़ाने के बाद उनको कोई मसला नहीं होता, वो सिर्फ आपसे आपकी चीज़ लेते हैं और एक साइन करा लेते हैं और बस जो अमाउंट वगैरह होती है वो सारा कुछ बैंक में आ जाता है, ठीक है। अगर आप इस तरह इंटरनेट वगैरह के उसमें मसले में फंसेंगे तो बड़ा टाइम लग जाता है उधर, वरना इजीली जाएं आप उनको पकड़ाएं और सारा सीन उधर उधर वही सेट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा तो यार अभी जो हम इस वीडियो के एंड करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद है जैसे कि अभी दराज का, इससे रिलेटेड और भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस हैं जो मैं बना सकता हूँ, लेकिन मैं बनाता नहीं हूँ क्योंकि वो एक अलग टॉपिक बन जाता है अर्निंग वगैरह का। तो अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद है तो यार कमेंट ज़रूर करना ताकि मैं ऐसी वीडियोज़ बनाऊँ आपके लिए, लेके आया करूँ अपने चैनल पर। और यार एक और बात कि डिस्क्रिप्शन में मेरे दूसरे गेमिंग चैनल का भी लिंक होगा, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लो, मेरे दोस्त का एक्चुअली बट अभी मेरे पास है इंशाल्लाह, तो उसको भी मिल जाएगा वापस, तो यार उसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।